टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश कामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अग्निवीरों के रिटायर होने के बाद सुरक्षा गार्ड रखने वाले बयान पर अब बीजेपी पार्टी की काफी किरकिरी हो रही है। मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने बीजेपी की मानसिकता पर ही सवाल खड़ा किया है। अग्निपथ योजना पर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है और आज भारत बंद भी है, मगर एक तरफ जहां बीजेपी पार्टी के नेता अग्निपथ योजना के फायदे गिनाने में जुटे हुए हैं, वहीं कल सेना ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कह दिया है कि ये स्कीम वापस नहीं होगी। वहीं इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विवादित बयान दिया है। विवादित बयान में कहा है कि अग्निवीर योजना के तहत जो सेना में 4 साल नौकरी के बाद रिटायर होंगे, उन्हें अगर मैं महासचिव रहा बीजेपी पार्टी में तो सुरक्षा गार्ड के लिए रखूंगा। वैसे इस बयान के बाद कैलाश विजयवर्गीय की चारों तरफ आलोचना हो रही है और विपक्षी पार्टियों के ये निशाने पर आ गए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं कि अग्निवीर जब 4 बरस की ट्रेनिंग शिक्षा प्राप्त करके जब सेनादल से बाहर आएंगे, तो अगर मैं बीजेपी के ऑफिस का प्रमुख रहूंगा, मैं इंचार्ज रहूंगा, तो इन सभी बच्चों को मैं सुरक्षा रक्षक यानी वॉचमैन करके दरवाजे पे रख दूंगा। ये अपने आप भाजपा की मानसिकता बताती है कि उनके दिल में क्या है। आप भले ही नौकरियां देने में असफल रहे हैं, वो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आप सेना से खिलवाड़ मत करो, इस देश की सुरक्षितता से खिलवाड़ मत करो। और ये सब बातें करके अग्निपथ और अग्निवीर के योजना के बारे में भाजपा की क्या मानसिकता है, ये कैलाश जी ने अपने मुंह से बता दिया है। ये बच्चे सेना में वॉचमैन होने के लिए नहीं जाते हैं। सेना में जो जाता है वो प्रशिक्षण लेता है, कड़ी मेहनत करता है और दिल में ये अरमान रखता है कि मैं अगर उरी सेक्टर में खड़ा हूँ, मैं अगर छाम सेक्टर में खड़ा हूँ, मैं अगर कारगिल में खड़ा हूँ, मैं किसी आसाम के जंगल में खड़ा हूँ, तो मैं मेरी बंदूक सिर्फ और सिर्फ मेरी भारत माँ को सुरक्षित रखने के लिए हाथ में पकड़ता हूँ। सर, ये जो अग्निवीर है, इनको क्या क्या प्रशिक्षण देंगे? दूसरे एक उनके मंत्री है रेड्डी साहब, केंद्रीय मंत्री, वो कहते हैं कि हम 4 साल में उनको बाल काटना सिखाएंगे, हम उनको ड्राइवर गाड़ी चलाना सिखाएंगे, हम उनको कपड़े धोने सिखाएंगे। ये क्या मजाक लगा रहा है? आप सेना में उनसे क्या धोबी काम करवाओगे? क्या उनसे क्या गाड़ी चलवाओगे? एक कहता है मैं उनको वॉचमैन करके रख दूंगा, दूसरा कहता है कि 4 साल में वो गाड़ी चलाना सीखेगा, बाल काटने सीखेगा। उनको मालूम नहीं क्या है? गाड़ी चलाना सीखना 3 महीने की बात है, बाल की कटाई करना ये तो कुछ लोग तो अपने आप ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन 3-6 महीने का ट्रेनिंग कोर्स होता है। इलेक्ट्रीशियन का भी 6-1 महीने का ट्रेनिंग कोर्स होता है। ये क्या मजाक बना के लगता है? सेना का मजाक मत उड़ाओ, सेना को खुद ही को असुरक्षित मत करो। अगर सेना असुरक्षित हो जाएगी तो ये देश की सुरक्षा धोखे में।